प्रत्येक वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप दशहरा का पावन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले लगाए जाते हैं और उन्हें जलाया जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण का वध प्रभु श्री राम द्वारा हुआ था एवं मेघनाद का वध प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने किया था। लेकिन क्या आप रामायण में वर्णित उस प्रसंग के विषय में जानते हैं जब मृत्यु के पश्चात मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा था? जी हाँ, आपको यह जानकर आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा कि आखिर मृत्यु के पश्चात कोई कैसे हंस सकता है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे ग्रंथ। रावण पुत्र मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी को ही समर्पित है। मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण उसका नाम मेघनाद पड़ा। वह भले ही एक राक्षस था, लेकिन यह भी सत्य है कि वह एक वीर योद्धा भी था। जब रावण ने मेघनाद को प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण का वध करने भेजा तो युद्ध के दौरान उसके सारे प्रयत्न विफल रहे और इसी युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। जब उसका सिर प्रभु श्री राम के आगे रखा गया तो उन्होंने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल प्रभु श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुँचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिख कर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। यह देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। वह रथ में बैठकर रावण से मिलने गई और बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री चार घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब मंदोदरी ने सुलोचना से कहा, तुम प्रभु श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना प्रभु श्री राम के पास गई और बोली, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। प्रभु श्री राम सुलोचना की दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। लेकिन सुलोचना ने प्रभु श्री राम को रोकते हुए कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। तभी सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। ऐसे में सुलोचना ने अपनी बात को साबित करने के लिए अपने पति के सिर से कहा कि आप हंस दे, नहीं तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। तभी मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा और सुग्रीव ने वह सिर सुलोचना को दे दिया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।